दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में कलह लगातार जारी है। इस बार विवाद कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा के एक ट्वीट से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने पिछले 5 साल में दिल्ली का खजाना बढ़ाने के लिए केजरीवाल सरकार की तारीफ की थी। उनके इस ट्वीट पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने नाराजगी जताई और शीला दीक्षित सरकार को बेहतर बताते हुए मिलिंद देवड़ा को आम आदमी पार्टी में जाने के लिए कह दिया। मिलिंद देवड़ा ने भी पलटवार करते हुए अजय माकन पर सवाल उठा दिए। उन्होंने नसीहत दी कि अगर कांग्रेस सरकार के काम का सही से प्रचार किया गया होता तो आज कांग्रेस सत्ता में होती। इस हंगामे के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी नेताओं को विवाद छोड़कर अपनी जिम्मेदारी संभालने की नसीहत दी। आई अर्ज अपॉन ईच वन ऑफ द कांग्रेस लीडर, कांग्रेस मेन एंड वीमेन, दैट दे शुड कंसंट्रेट फर्स्ट देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कांग्रेस में चल रही कलह पर बीजेपी ने भी चुटकी ली और दिल्ली में पार्टी की हार को कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत बता दिया। जो कुछ बचे हैं वो भी आसपास इसलिए लड़ रहे होंगे ताकि दिल्ली कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस है नहीं, कांग्रेस मुक्त की शुरुआत दिल्ली से हुआ है।